हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं आपको बिना गैस जलाए बिना मावा के 15 मिनट में बेहद ही स्वादिष्ट मिठाई स्वीट रोल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। स्वीट रोल बनाने के लिए मैंने एक कप मिल्क पाउडर लिया है, आधा कप घिसा हुआ नारियल लिया है और 1/4 कप पिसी हुई चीनी। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध करके इसे हम गूथेंगे। इसमें हम ज़्यादा दूध एक साथ नहीं डालेंगे वरना ये गीला हो जाएगा। देखिए, हमें इस तरह का चाहिए। ये अच्छी तरह से गूथ गया है। अब मैंने इसके दो भाग कर लिए हैं। एक भाग में मैंने कलर मिला लिया है। अब हम इसका गोला बना लेंगे और प्लास्टिक की पन्नी लेंगे। एक प्लास्टिक की पन्नी मैंने नीचे बिछा दी है और उसके ऊपर से मैंने एक प्लास्टिक की पन्नी लगा दी है और इसे हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। मेरे पास बटर पेपर नहीं था। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। देखिए, मैंने इसे बेल लिया है। अब ऊपर से हम पन्नी हटा देंगे और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। ये बारीक ड्राई फ्रूट्स मैंने काट लिया था। अब हम इस पर ड्राई फ्रूट्स बिछा देंगे अच्छी तरह से। अब हम इसका रोल बनाएंगे। अब हम दूसरे भाग में, जिसमें मैंने कलर नहीं किया था, उसको भी इसी तरह से हम प्लास्टिक लगाकर बेल लेंगे। हम इसको थोड़ा बड़ा बेलेंगे। अब हम इसके अंदर जो कलर वाला भाग था उसे लगाकर इसे भी उसी तरह से हम रोल करेंगे। देखिए, ये अच्छी तरह से रोल हो गया है। अब हम इसी प्लास्टिक में इसको रखकर इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। इसे हम प्लास्टिक में ही लपेटेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसमें आप लपेट दीजिए और 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए। देखिए, 4 से 5 घंटे हो गए हैं, ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसे कट करेंगे। ये मिठाई काफ़ी आसान होती है बनाने में। अब हम इसे गोल गोल पीसेस में कट कर लेंगे। इसकी मोटाई हम 1 इंच रखेंगे। देखिए, ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए, ये काफ़ी सॉफ्ट भी है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और बनाने में भी बेहद आसान है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।